नमस्कार। आज बात धरती पुत्र की। किसानों को देश का धरती पुत्र कहा जाता है, अन्नदाता कहा जाता है, जो धरती का सीना चीर कर पूरे देश के लिए अन्न उगाते हैं। लेकिन जब वही धरती पुत्र भुखमरी की कगार पर खड़ा हो तो उसे आप क्या कहेंगे? तो 500 परिवार बेबस और लाचार। सिवानामाल गांव में किसान करीब 19 साल से अपनी जमीनों पर फसल नहीं उगा पा रहे हैं। लगभग पूरा गांव जलग्रस्त चपेट में है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसानों की मदद के लिए कोई कदम नहीं उठाए, लेकिन वो कदम सिर्फ एक रस्म अदायगी भर थे। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपके लिए। देशा में देश हरियाणा को कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है, लेकिन क्या वाकई में हमारा हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है? क्योंकि प्रदेश के किसान कभी स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कराने के लिए जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं, तो कभी यूरिया के लिए तरसते, और तो अब कृषि विभाग की लापरवाही से करीब 500 किसान परिवार भूखे मरने को मजबूर हैं। सफेदों के सिवानामाल गांव में किसानों के पास अपनी जमीन तो है, लेकिन उनकी बेबसी का आलम देखिए, वे इस जमीन पर अन्न नहीं उगा सकते। दरअसल साल 1995 में सिवानामाल में आई बाढ़ ने भूमि का जल का स्तर काफी ऊंचा कर दिया। यहाँ सिर्फ 3 फीट गड्ढा खोदने पर ही पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इस पानी की चपेट में गांव के करीब 990 एकड़ जमीन है, जिसके चलते किसान बाहर जाकर मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालने को मजबूर हैं। 50 एकड़ जमीन है जी, और इसमें 50 साल से बुरा हाल हो रहा है। बुरा हाल, हम तो भूखे मरा, कोई स्थिति सी है ही नहीं जिसके कारण हम गुजारा करें। वाटर लेवल कितना है इसका? 5 फुट पर है, आधा फुट पर वाटर लेवल है। तो खेती कैसे करते हो? खेती तो होती है नहीं, खेती कहाँ होती, खेती तो दो बूंद होगी जब जड़ जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से इन किसानों की मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए साल 2010 में ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसके लिए 40 करोड़ का पैकेज भी दिया गया था। प्रोजेक्ट तैयार भी हुआ, जिसके तहत 12.5 करोड़ की राशि से जमीन के नीचे के पानी को 7 मेनहोल द्वारा पाइपलाइन से नहर के पानी तक पहुंचने का इंतजाम भी किया गया। लेकिन जनरेटर और कुछ बिजली के उपकरणों के ना होने की वजह से प्रोजेक्ट का काम बीच में ही अटक गया। वहीं किसानों ने अब इस मामले की शिकायत मौजूदा खट्टर सरकार से की है। किसानों का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते उनका परिवार अब भूखे मरने की कगार पर खड़ा है। ऐसे में अगर उनकी सुनवाई नहीं होती तो वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। साफ है कि एक बार फिर अधिकारियों की लापरवाही आम आदमी पर कहर बनकर टूट रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इन किसानों की इस हालत के लिए जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट के अधिकारियों को, जिनकी वजह से प्रोजेक्ट अधर में है, या फिर खुद इन किसानों को, क्योंकि इन्होंने धरती पुत्र होने का गुनाह किया है। सफीदों से प्रवीण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जो या तो इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आपने देखा और समझा किस तरीके से 500 परिवार भुखमरी की कगार पर हैं, और वजह सिर्फ इतनी अधिकारियों की लापरवाही। तकरीबन 40 करोड़ की राशि मुहैया कराई गई थी, 12 करोड़ रुपए जो है वो निकासी भी उसकी हो गई थी, काम शुरू कर दिया गया था, लेकिन एक जरा सी लापरवाही के चलते ये काम अधूरा रह गया। और अधूरे रह गए हैं उन 500 परिवारों के सपने, उन बच्चों के सपने जो कि उस गांव में रहकर हालात से मजबूर है। पूरा का पूरा मामला आपके संज्ञान में है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 500 किसान भुखमरी की कगार पर है, उन किसानों के लिए सरकार ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? सफीदों के सिवानामाल गांव का ये पूरा मामला, जलग्रस्त भूमि की चपेट में गांव के तकरीबन 990 एकड़ जमीन है। आप ये कह सकते हैं कि खेती के लायक यहाँ जमीन ही नहीं है। जितने भी परिवार यहाँ पर रहते हैं मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, अपनी खुद की जमीन होते हुए भी वो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, उसका कोई भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। पूर्व सरकार ने हालांकि गांव को जो हालात है उसको सुधारने के लिए कदम जरूर बनाए थे, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट तैयार किया गया था, लेकिन कुछ संसाधनों के अभाव में इसे बंद कर दिया गया। 40 करोड़ की योजना थी ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट। सफेदों से हमारे संवाददाता प्रवीण जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जो तस्वीरें हमने देखी, जो रिपोर्ट हमने देखी, और जिस तरीके से इस गांव के लोगों ने अपने हालात बयां किए हैं, वो वाकई सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन सफीदों के सिवानामाला गांव का ये पूरा मामला, जहां पिछले 19 सालों से किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, और वजह है
कि यहाँ पर जलग्रस्त भूमि है, सरकार ने इसको लेकर कदम जरूर उठाए थे लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते मामला संज्ञान में नहीं आ पाया, परवान नहीं चढ़ पाया। और हमारे साथ सफीदों के एसडीओ राजेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। राजेंद्र जी, सफीदों के सिवाना माल गांव का ये पूरा मामला, जलग्रस्त भूमि यहाँ पर तकरीबन 990 एकड़ है, पिछले 19 साल से किसान खेती नहीं कर पा रहे। सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, क्या आपके संज्ञान में ये पूरा मामला है? हाँ जी है, एक्चुअली क्यों नहीं है जी, तो इसकी बाबत क्या कुछ कोई कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जा सकते हैं? उठा रहे हैं जी और उठाए जा रहे हैं। क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ऐसे है जी, ये 10-11 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है जी, प्रोजेक्ट। उसके बाद में किसानों ने डिमांड ये की कि हमारे को बिजली कनेक्शन दिए जाए। राजेंद्र जी, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, आपने कहा कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। ये कंप्लीट है प्रोजेक्ट, कागजों पर कंप्लीट है, ये 10-11 में कंप्लीट हुआ था, ठीक है। उसके बाद में सिर्फ ये है की सिर्फ पंप हाउस और इंजन देने हैं हमें, और फार्मर की डिमांड ये है कि हमें बिजली कनेक्शन दिए जाए, किंतु हमारी स्कीम में इंजन के कनेक्शन देने का या इंजन की लाइन देने का कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। इस बारे में मैं बताऊँ आपको, इस बारे में कई बार मीटिंग भी हो चुकी है और डिमांड भी लिखी जा चुकी है मेरी तरफ से। राजेंद्र जी, आपने कहा 2011 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है? हाँ, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, 11 जुलाई में ये कंप्लीट हो चुका था। चलिए, आप लाइन पर बने रहिए, हमारे साथ एक स्थानीय निवासी जुड़ चुके हैं, जो स्थानीय ग्रामीण है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बीरेंद्र? हाँ जी, बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। बीरेंद्र जी, मामला आपसे ही जुड़ा हुआ है, आप लोगों से जुड़ा हुआ है, हमारे साथ एसडीओ जुड़े हुए हैं इस वक्त सफीदों के, वो ये कह रहे हैं कि जुलाई 2011 में जो पायलट प्रोजेक्ट था इन जमीनों से पानी निकालने का, वो पूरा हो चुका है। आप वहाँ पर रह रहे हैं, आप मुझे बताएं किस तरह के हालात है वहाँ पर। ये मैं बताता हूँ जी, 2011 में ये चालू कर दिया था, पाइप लाइन वगैरह वो डाल दी थी, और जो एंड का काम था यानी 2.5 करोड़ रुपए के करीब ये बता रहे हैं लगा था, वैसे तो 10-12 करोड़ का एस्टीमेट बता रहे थे पहले तो जी, तो वो सारा पैसा लगा दिया जी और पाइपलाइन दबा दी। पाइपलाइन दबाने के बाद जो पंप बना रहे थे जहाँ से वो पानी निकाल के बाहर डालना था, हाँ। वो आज तक भी चालू नहीं कराया है, 4 साल से जो का त्यों पड़ा है। इसका कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है, अगर वो पैसा जो लगाना था वही लगाओ है, चालू करना भी जिम्मेवारी थी, और 4 साल से किसी अधिकारी ने कर्मचारी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जबकि इसके बारे में कई बार पीछे 2 साल पहले पेपर में दी थी, न्यूज पे भी चली थी, फिर भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। बाकी ये कह रहे हैं बोला पंप देने थे, इंजन देना था, ना इंजन दिया, ना तेल दिया, ना ही चालू करे। जुलाई 2011 कह रहे हैं, शायद 10 की बात है ये, तो उसके बाद एक दिन भी वहाँ कोई नहीं गया जी। वीरेंद्र जी, समझना चाहेंगे कब, लंबे अरसे से ये समस्या बनी हुई है, एक लंबा अरसा हो चुका है, कितने सालों से वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं हो पा रही है, और कुल कितनी आबादी इससे प्रभावित है, कितनी कृषि योग्य जमीन है वहाँ पर? 95 से ये समस्या ज्यादा बनी हुई है जी, और इसमें 60% जो है जी बिल्कुल गरीब हालात के लोग है, उनका कोई भी सहारा नहीं है, और 20 साल से जिस फसल में जिस जमींदार के पास 1 रुपए की भी पैदावार ना हो तो 20 साल निकालने बड़े मुश्किल हो जाओ। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं, हमारे साथ एसडीओ भी लगातार बने हुए। एसडीओ साहब, आपने कहा कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो खत्म कर दिया गया, लेकिन पंप हाउस और इंजन बने रह रहे हैं जी, उसका प्रोसेस इन्होंने पहले तो ये कहा था कि हम बिजली का कनेक्शन लेंगे, वो हमारे स्कीम में नहीं है जी, ठीक है जी जी। तो उसके बाद में पहले तो कमेटी बना के आप परचेज करके दे दिया करते, मतलब इस बात का नहीं है कि पूर्व में क्या कवायद की गई, मेरा आश्रय आपसे और आश्रय जो मेरा है वो वर्तमान से है, मेरा आश्रय आपसे वर्तमान से है, महज एक मोटर वहाँ पर उपलब्ध नहीं कराया गया उस मशीन को। राजेंद्र कुमार जी, मेरा सवाल सुन लीजिए,
मेरा आपसे सवाल ये नहीं है कि पूर्व की सरकारों ने या पूर्व के प्रशासन ने क्या किया, कितनी मीटिंगें हुई, कितनी बैठक हुई, नतीजा क्या निकला, जो सवाल है वो इससे निकलता है, नतीजा क्या क्या निकला, नतीजा कुछ नहीं निकला। अब इसके लिए क्या कवायद की जा सकती है, क्योंकि वहां पर अभी मोटर चालू नहीं की गई है। मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको जी, अब जैसे ही बजट आएगा जी, आखिर स्कीम का अभी बजट आएगा हाँ, तो हमारे अधिकारी बैठते हैं शायद भूमि अधिकारी। राजेंद्र जी, क्या आप ये बात जुबानी कह रहे हैं या ये चीज जो है आपके संज्ञान में पहले से थी, उसके लिए प्लान बनाया जा चुका है, उसके लिए मीटिंग हो चुकी है, उस आधार पर क्या आप ये बात कह रहे हैं? नहीं है, बजट आते ही है ना एसीओ को बैठते हैं साहब कमीशन अधिकारी हाँ। उनको बजट इनके सात ब्लॉक सात पंप हाउस के और इंजन के पैसे उनको लोड कर दिए जाएंगे आपसे स्कीम के पैसे, ठीक है, उनका काम कंसर्न हो जाएगा। एडीओ साहब, एक संतुष्टि के लिए, लोगों की संतुष्टि के लिए एक समय सीमा बता दें, लोग 95 से इंतजार कर आपको कि पता क्या कि ये काम होता है जब अब तो वट लोग एरिया ऊपर आया है, देखो अब कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकती जी, ये तो मानते हो आप जी, ठीक है, तो ये जुलाई के बाद में जब गेहूं की फसल की हार्वेस्टिंग हो जाएगी ना, कटाई हो जाएगी, उसके बाद में जमीन भी खाली हो जाएगी, उनके पंप हाउस भी बन जाएंगे और इनको इंजन भी मिल जाएंगे, तब तक बजट दिया जाएगा जी, तब तक बजट आ जाएगा, तब तक लोग इंतजार करेंगे। राजेंद्र कुमार जी, आप लाइन पर बने रहिए, आपसे आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे। हमारे साथ स्थानीय विधायक जसवीर देशवाल जुड़ चुके हैं। जसवीर जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू। जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता की समस्याओं को दूर करना आपका हक भी बनता है, आपका कर्तव्य भी बनता है। जसवीर जी, 95 से एक गांव ऐसा है जिसके 990 एकड़ जमीन पर आज तक हल नहीं चल पाए हैं, वजह है वो जलग्रस्त भूमि है, आपके संज्ञान में क्या ये मामला है? कौन से हल्के की? सिवानामाल गांव है, सिवानामाल गांव है सफीदों का। हाँ, सिवानामाल गांव में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम है जी, वो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हमारे नॉलेज में है, उसके लिए हम एक ड्रेनेज का सिस्टम बम्बेवा गांव की तरफ एक ड्रेन जाएगी, उसका हमारे नॉलेज में आने के बाद हमने अभी प्रोजेक्ट उसका तैयार करवाने लग रहे हैं जी। उस पानी को हम बम्बेवा गांव से होते हुए ड्रेन करेंगे, आगे ड्रेन है मेन, उसमें डालेंगे और वो जो भूमि है वो बिल्कुल वो फिर बीजने के जोतने के काम आएगी, अभी उसमें पानी है जी। बिल्कुल विधायक साहब, ये सवाल इसलिए भी कि किया जाएगा, कहा जा रहा है प्रोजेक्ट आने वाला है, वहां पर पाइप लगा दिए जाएंगे, ये जो सिलसिला है 1995 से नहीं थम रहा है, जनता बड़ी उम्मीदों के साथ आपकी तरफ देख रही है, आप ये पूरे पूरे मामले को प्रमुखता के साथ उठा सकते हैं, आप वहां के जनप्रतिनिधि है, किया जाएगा, हो रहा है, हो सकता है, इन सब चीजों से जनता तंग आ चुकी है, क्या आपको लगता है कि इस बार पूरे गंभीरता के साथ इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो पाएगी, हो भी पाएगी या नहीं? मैडम जी, ये सिलसिला आप 1995 से कह रहे हो जी, बिल्कुल, गांव माल सिवाना पहले सभी तो हल्के में था ही नहीं, पिछले टर्म से ये लगा है जी, और अब मैं सवा दो महीने से एमएलए बना हूँ जी, इसकी तरफ मेरा पूरा ध्यान है और मैं इसका समाधान हम निकलवाएंगे, बड़े जरूरी है ये, क्योंकि इतनी जमीन जो है वो लोगों की खराब पड़ी है, पानी खड़ा है उसके अंदर, वो बिजने लायक नहीं है, तो आज भी मैं कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, भाई इसको हम बम्बेवा की तरफ से एक ड्रेन है उसको वहां से 4-4 फुट की उसकी खुदाई होगी, उसको निकलवा के पानी आके मेन ड्रेन में करेंगे, इसका पक्का समाधान करेंगे अब की बात जी। विधायक साहब, एक सवाल ये भी जानना चाहूंगी कि आपने कभी इस गांव का जायजा लिया है क्या? मैंने सभी गांव का जायजा लिया मैडम, मैं इस गांव के संदर्भ में पूछ रही हूँ, सभी गांव फिलहाल, ये गांव जो है हमारी प्राथमिकता के आधार पर है, मैं इस गांव का आपसे पूछे, आपने कभी जायजा लिया यहाँ पर? मैं मैडम जी इस गांव के एक एक घर तक, एक एक आदमी तक गया हूँ मिलने जी, वोटों के दौरान, वोटिंग के दौरान या फिर जीतने के बाद भी? जीतने के बाद भी गया हूँ जी। किस तरह के किस तरह के हालात धन्यवाद करने के लिए भी गया हूँ, उन्होंने सहयोग दिया उसका धन्यवाद करने गया हूँ गाँव में जी। चलिए, खैर ये दीगर बात है, ये तो सियासी सवाल था, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने उन लोगों से बातचीत की, उन लोगों के हालात समझे, किस तरह के हालात आपने वहां पर देखे विधायक साहब? वहाँ वो पानी की प्रॉब्लम उन्होंने बताई, उसका हम समाधान निकालेंगे, एक प्रॉब्लम पहले भी थी, ये राज आने से पहले, इस सरकार से पहले भी मैंने उनकी मदद की है जी। वो पहले एक गाँव सफीदों हल्के से, वो गाँव जुड़ा नहीं था पहले, उसको सफीदों हल्के से जोड़ा, ये बागडू
बागड़ू गांव से और माल सिवाना की सड़क बनवाई मार्केटिंग बोर्ड से मैंने जी। मैं पहले जिले का प्रधान था, मैं अपने खुद मुख्यमंत्री से इसको मंजूर करवा के बनवाया है। लोगों का जो दिक्कत है उसकी तरफ पूरा ध्यान है मेरा जी। बिल्कुल विधायक महोदय, अच्छी बात है कि अगर आप किसी समस्या की तरफ ध्यान दे रहे हैं और किसी एक समस्या के बारे में पार्टिकुलर आपको इतनी ज्यादा जानकारी है कि आपने उस गांव के लिए क्या किया क्या नहीं किया। बहरहाल सवाल सिर्फ एक और है, क्या एक समय सीमा तय कर दी जाएगी इस गांव के लोगों के लिए, क्योंकि आपको भी पता है 1995 से अब तक का इंतजार बड़ा लंबा है, इंतजार थका देने वाला है। 990 एकड़ जमीन है वो किसी काम की नहीं है, बच्चे जो है वहां पर किस तरह से उनका पालन पोषण होता है, मजदूरी करके किसान जो है जमीन होने के बावजूद दूसरे के घर में मजदूरी कर रहा है। एक समय सीमा लोग आपसे चाहते हैं, चूंकि आप इस पूरे मामले को गंभीरता से उठाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्लानिंग हो चुकी है और इसको बाकायदा हल कर दिया जाएगा, एक समय सीमा बता दें कि कब तक लोगों का जो इंतजार है वो खत्म हो पाएगा। आप मैडम जी 95 से जो बात बार बार कह रहे हो ना, 95 से समस्या है, मुझे पता है पहले पुरानी समस्या है, लेकिन हमारा जो जैसे अभी सरकार आई है जी, इसको जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश है कि भैया इसको हम अप्रैल मई तक जब बरसात के समय से पहले पहले इसका हम ड्रेन आउट करके इस पानी का समाधान निकालेंगे जी। लेकिन विधायक साहब यहाँ पर हमारे साथ एडीओ जुड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि अगला जो बजट आ पाएगा उसके बाद ही ये समस्या हल हो पाएगी, और वो जो कह रहे हैं जो जानकारी वो दे रहे हैं वो बनता है जुलाई के बाद, और आप आश्वस्त कर रहे हैं अप्रैल या मई तक। मैं इन दोनों में से कौन सी चीज को मानूं, अप्रैल मई तक ये सारी चीजें हो पाएंगी या फिर जुलाई के बाद? मैं कोशिश यही रहेगी हमारी, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी करवाएंगे इसका समाधान जी, जितना भी जल्दी पॉसिबल हो। बिल्कुल जसवीर जी, यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप लाइन पर बने रहिए, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। राजेंद्र कुमार जी आप भी लाइन पर रहिए, और बीरेंद्र जो कि आप स्थानीय निवासी आप भी लाइन पर बने रहिए, आप तीनों से मैं बातचीत आगे भी जारी रखूंगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बॉज लौट रहे हैं खास खबर के साथ। में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में, अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर की घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एक बाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा, हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। लार्जेस्ट कैंपस, more than 1800 students, well equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information log on our website, contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है खास खबर में। यहाँ आज हम बात कर रहे हैं 500 परिवारों की जो कि सिवानामाल गांव के हैं, जो कि 1995 से लेकर अब तक खेती योग्य जो उनकी जमीन है उसका उपयोग नहीं कर सके हैं। वजह यह है कि ये पूरी जमीन जलग्रस्त है। इसको लेकर ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया गया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट अधूरा रह गया, बीच में ही रह गया। बीरेंद्र हमारे साथ स्थानीय निवासी बने हुए हैं। बीरेंद्र जी, हमारी विधायक जसवीर देशवाल जी से बातचीत हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि पूरा मामला उनके संज्ञान में है और वो इस बार पूरी कोशिश करेंगे कि अप्रैल मई तक ये पूरा का पूरा मामला हल हो जाए। क्या आप इस बात से आश्वस्त हैं कि इस बार जो वायदे किए जा रहे हैं वो पूरी होंगे, क्योंकि वायदों की लिस्ट आप 1995 से देख रहे हैं? वीरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया है। पांच सौ किसान परिवार यहां पर बेबस है, लाचार हैं। हालांकि अधिकारी ये कह रहे हैं कि मामला संज्ञान में है, उसको ठीक कर लिया जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, लेकिन ये कब तक हो पाएगा ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। हालांकि आश्वासन जरूर दिए जा रहे हैं, एडीओ भी हमारे साथ जुड़े रहे, उन्होंने भी लगातार ये कहा है कि ये जो योजना है अब बस बजट का इंतजार है, बहुत जल्द इसे कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि 1995 से लेकर अब तक का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। किसानों के अच्छे दिनों का वायदा करने वाली सरकार उदासीन है। हालांकि पूर्ववर्ती सरकार ने काम जरूर किए थे। कांग्रेस नेता बच्चन सिंह आर्य हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आर्य साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद आपका। आर्य साहब, धरती पुत्र किसान आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरे देश का पेट भरते हैं, लेकिन आपके प्रदेश में एक इलाका ऐसा है जहां 1995 से आज तक खेती नहीं हो पाई है, और वजह यह है कि यहां की 990 एकड़ जो जमीन है वो जलग्रस्त है। ऑपरेशन पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया लेकिन वो दम तोड़ गया, वजह सिर्फ इतनी अधिकारियों की लापरवाही, एक मोटर वहां पर चालू नहीं हो पाया और इस वजह से ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ठप पड़ गया। क्या कहना चाहेंगे आप? जी जी, सिवानामाल गांव मेरे विधानसभा क्षेत्र सफेदों में आता रहा, जहाँ से मैं दो बार विधायक रहा हूँ। जी बिल्कुल। पहले ये गांव हमारे यहाँ जब मैं सरकार में मंत्री था जी, उस समय हमारे सफेदों में नहीं आता था, ये गुहाणा विधानसभा क्षेत्र में आता था। मैडम, डिलिमिटेशन के बाद ये काफी जद्दोजहद रही, कुछ लोग इधर आना चाहते थे, कुछ उधर रहना चाहते थे जी। बाद में ये सफेदों में आया और उस समय जब मैं पिछली बार विधायक था तो इनकी स्थिति को देख करके, जैसा आपने बताया बात ऐसी ही है, तो हमने यहाँ का सर्वे करा करके खुद मौके पर देख करके यहाँ के पानी का प्रबंध कराने की काफी कोशिश की थी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा जो उस समय पर थे, उन्होंने इसके लिए बजट भी दिया था और खाली सोना माल ने इसके साथ लगते बंबेवाल उदाना गाँव की भी इनकी एक व्यवस्था की थी, मगर जैसे ही वो व्यवस्था सिरे चढ़ने की बात आई, अभी भी आगे के लिए खतरा बना हुआ है कि अब भी पीछे मैंने प्रेस में बयान दिया था कि भाई सरकार बदल चुकी है, जो योजना हमने चालू की थी कि ये जो 90-95 एकड़ जमीन है जो किसान बेचारा इसमें खाली बैठा हुआ है। लेकिन बच्चन सिंह आर्य जी, सवाल ये है, आपने कहा कि ये एक मजबूरी हो गई कि भाई आपकी सरकार सत्ता से चली गई, जितने सालों तक रही उतने साल में इसका हल किया जा सकता था, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था कि आप लोगों के कार्यकाल में ये समस्या हल नहीं हो सकती थी? जी जी, बात ये है कि जब ये हमारे यहाँ सफेदों विधानसभा क्षेत्र में आया, क्योंकि पिछली बार ही हुआ था, एक बार ही उसकी वोटिंग हुई है यहाँ सफेदों विधानसभा क्षेत्र में, तो आया था, तो उसके लिए हमने कई करोड़ रुपया बजट करके इसका जो व्यवस्था बनाई थी कैनाल, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने और फल्ड एरिया के सारे अधिकारी आए थे जी, उन्होंने आकर के ये बिल्कुल कुछ तो इसमें से स्कीम है जो पाइपलाइन में थी जो अभी पूरी होनी थी जी, और कुछ हमने काफी वहाँ पर किया भी है जिससे पानी का निकास होता है, मगर अब भी उसमें काम करने की आवश्यकता है जी। इस सरकार को चाहिए कि उसको जो जो बात अधूरी है उसको वो पूरा करे जी, और ये वास्तव में ही समस्या तो आपकी भी सरकार को था, चाहिए तो आपकी भी सरकार को था कि सही समय पर ये प्रोजेक्ट पूरा कर दिया जाता, खैर उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका। तो राजनीति का खेल इसमें भी है कि हमारी सरकार के समय काम तो शुरू किया गया, पूरा क्यों नहीं किया गया इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं। ये सरकार अभी उसको वजह यह है कि अभी 2 से 2.5 महीने हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है समस्याओं को समझने के लिए, लेकिन जो पिस रहा है वो है आम जनता। आश्वासन लगातार मिल रहे हैं, आश्वासनों का दौर जारी है। स्थानीय विधायक ये कह रहे हैं कि जरूर इस समस्या का समाधान किया जाएगा, अधिकारी कह रहे हैं उनके संज्ञान में मामला है, किया जाएगा, हो सकता है कर लिया जाएगा, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि ये पूरा का पूरा मामला एक बार
उस अंजाम तक पहुंचे जिसकी इसको जरूरत है। 990 एकड़ कृषि योग्य जो जमीन है वो ऐसे ही बंजर ना पड़ी रहे। फिलहाल खास खबर में इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।